साक्षी एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। वरुण धवन कर सकते हैं 1971 युद्ध के हीरो खेत्रपाल की बायोपिक। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की अंगुआई करने वाले किरोड़ी सिंह बैसला बीजेपी में शामिल। इसराइल दृष्टिवादितों को मतदान के मदद के लिए हुआ AI चश्मे का इस्तेमाल। अब खबरें विस्तार से। वरुण धवन कर सकते हैं 1971 युद्ध के हीरो खेत्रपाल की बायोपिक। जानकारी के अनुसार अभिनेता वरुण धवन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बायोपिक में उनकी भूमिका निभा सकते हैं। फिल्म 21 का निर्देशन श्री राम राघवन करेंगे और दिनेश जैन इसके प्रोड्यूसर है। 21 वर्ष की उम्र में शहीद हुए खेत्रपाल परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति है। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की अगुवाई करने वाले किरोड़ी सिंह बैसला बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले बुधवार को राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की अगुवाई करने वाले किरोड़ी सिंह बैसला और उनके बेटे विजय बैसला बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मौजूद रहे। गौरतलब है कि किरोड़ी सिंह बैसला भारतीय सेना से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए थे। इसराइल दृष्टिवादितों को मतदान के लिए मददगार साबित हुआ AI चश्मे का इस्तेमाल। इसराइल में 9 अप्रैल को हुए चुनाव में दृष्टहीन दृष्टिवादितों को मतदान करने में मदद करने के लिए इसराइल स्टार्टअप ऑर्गैम के AI संचालित व स्मार्ट कैमरे युक्त चश्मे का इस्तेमाल किया गया। बारकोड पढ़ने और चेहरे पहचानने में सक्षम यह चश्मा दृष्टिहीनों दृष्टिबाधितों को उनके काम में कान में बताएगा कि सामने क्या लिखा है। इस चश्मे से करीब 20,000 मतदाताओं को मदद मिली। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।